सो हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको ये बहुत ही खूबसूरत आई मेकअप सिखाने वाली हूँ, जिसमें मैं अपना सिग्नेचर आई मेकअप लुक आपको सिखाऊंगी। पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये मेकअप शूट मैं कर रही हूँ अपने मोबाइल से, जो हाई एंड ब्रांड नहीं है, एक छोटा सा एक सिंपल सा मोबाइल है। क्वालिटी को थोड़ा इग्नोर करके आप मेकअप के ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम सीखेंगे कि एक ब्यूटीफुल आई मेकअप किस तरीके से किया जाता है और कलर को किस तरीके से आपस में ब्लेंड करके उसे खूबसूरत लुक दिया जाता है। सब कुछ बहुत ही इजी तरीके से सीखने वाले हैं, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, ताकि मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से और आसानी से पहुँचे। तो फिर चलिए बिना रुकावट के शुरू करते हैं ये ब्यूटीफुल सा आई मेकअप। सो आईब्रो डिफाइन करने के बाद मैंने किया है फेयर आई बेस। बेस अप्लाई करने के बाद मैंने उसे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसे अच्छी तरीके से अप्लाई करके उसे कॉम्पैक्ट से अच्छी तरीके से लगाया। तो यहाँ पर मैंने लाइट पर्पल कलर ले लिया है। हमेशा आँख का जब आप मेकअप कर रहे हो तो आपको हमेशा शुरुआत लाइट कलर से ही करना चाहिए। लाइट कलर को अप्लाई करने के बाद, अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद, मैं यहाँ पर डार्क कलर लेकर के उसको अच्छी तरह से अपने आउटर कॉर्नर पर अच्छी तरीके से उसे ब्लेंड करके मैंने यहाँ पर हाफ कट क्रीज बना लिया है, और हाफ कट क्रीज बना करके मैंने उसे अच्छी तरीके से अपने आउटर कॉर्नर को ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ब्लेंड नहीं करेंगे तो वहाँ पर जो आई शेडो आप लगाएंगे वहाँ पर वो चिपक जाएगा। क्रीज बनाने के लिए आप हमेशा एक फ्लैट ब्रश का ही इस्तेमाल किया करिए, क्योंकि कट क्रीज बनाने में जितना अच्छा फ्लैट ब्रश आप यूज़ करेंगे, वो आपका कट क्रीज उतना ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने इनर कॉर्नर में वाइट आई शेडो लगा लिया है। वाइट आई शेडो लगाने से क्या होता है कि आपकी आँखें जो है बहुत ही, वाइट आई शेडो ही नहीं, कोई भी लाइट कलर अगर आप इनर कॉर्नर पे लगाएंगे तो आपकी आँखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। उसके बाद मैंने मिड एरिया में लाइट कलर का, मैंने शिमर पर्पल कलर का लगाया, और उसके बाद मैंने आउटर कॉर्नर पे डार्क पर्पल कलर लगाया। थोड़ा सा मेरा कैमरा अनफोकस हो रहा है, उसके लिए सॉरी, आप लोग थोड़ा इग्नोर करिएगा, मेरा कैमरा थोड़ा सा अनफोकस हो गया है। फिर उसके बाद मैं ब्लैक कलर को अच्छी तरीके से अपने आउटर कॉर्नर में उस वहाँ पर थोड़ा स्मोकी लुक दे रही हूँ। और इसके बाद सारे कलर को अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर पिगमेंट लगा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगे। वेल, आई मेकअप एक ऐसी चीज़ है जिसे डे बाय डे प्रैक्टिस करने से हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। अब यहाँ बारी आती है विंग लाइनर की। विंग लाइनर लगाना बहुत ही आसान है। जिस तरीके से मैं विंग लाइनर लगा रही हूँ, आप इस तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका विंग भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा बनेगा। आपका विंग लाइनर लगाने का एक बहुत ही आसान तरीका यही है कि आप अगर दिन में 3 से 4 बार आप रोज़ डेली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका विंग बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत लगे। ऑलवेज अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए कहीं पर भी, तो आप मेरी वीडियोस को खोलकर अच्छी तरीके से बार बार देखिए। अगर ना समझ में आए तो बार बार आप रिपीट मोड में देखिए, तो आपको डेफिनेटली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आप वीडियो को तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए किसी भी पार्ट को आप स्किप मत करिए, ये पूरा पूरा वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए। मेरी आँखें ऑलरेडी मीडियम साइज़ की है, इसलिए मैंने आँखों के अंदर ब्लैक काजल लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं ब्लैक जेल को पतला सा एकदम ब्लैक लाइनर लगा रही हूँ और उसको अच्छी तरीके से स्मच करूँगी। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होता है, और आप जब नीचे आप अपने वाटर लाइन के पास अगर ब्लेंड कर रहे हो तो आपका जो ब्रश होता है होना चाहिए, वो पेंसिल होना चाहिए या फिर एकदम फ्लैट होना चाहिए या फिर छोटू सा ब्लेंडिंग ब्रश होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने आँखों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मैं अपने इनर कॉर्नर और अपने ब्रॉ बोन को अच्छी तरीके से हाईलाइट कर रही हूँ। उसके बाद भर भर के अच्छी तरीके से मस्कारा ऊपर नीचे लगा रही हूँ, ताकि और आँखें देखने में खूबसूरत लगे, बड़ी लगे। उसके बाद मैंने फेक आईलैशेस लगा लिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मेरी आँखें लग। यहाँ पर मेरा वीडियो ख़त्म हो गया है, लेकिन ये एंड नहीं है। आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, हार्ड वर्क करना है, और वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन को ज़रूर दबाना है। ओके, बाय बाय।